रोहित से डर नहीं लगता है, विराट से डर नहीं लगता है, जायसवाल से डर नहीं लगता है, गिल से डर नहीं लगता, केएल से डर नहीं लगता। अगर ऑस्ट्रेलिया को डर लगता है तो ऋषभ पंत से डर लगता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया वाले बार बार कह रहे, हर बार कह रहे हैं यार सबको तो हम झेल लेंगे, ऋषभवा को कैसे खेलेंगे। हालांकि आज जो डर ऑस्ट्रेलिया को है, एक जमाने में डर इंडिया को भी लगता था। गांगुली ने एक बार कहा था यार वो ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मजबूत थी, आप ऊपर के 6 आउट करो, 7 नंबर पे आता था एडम गिलक्रिस्ट और मार मार के धुआं कर देता था, आपको लगता था यार ये तो सबसे तेज मार गया। अब वही कहानी पलट गई है, वही वक्त पलट गया है, जज्बात पलट गए हैं, हालात पलट गए हैं और इंडिया की भी वही कहानी है। 5 नंबर पंत आता है और जो तबाही मचाकर चलाता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कह रही है कि पंत को शांत रखना जरूरी होगा। ऋषभ पंत के खौफ से कंगारू थर्राए हुए हैं। पैट कमिंस बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब सब एक तरफ, पंत एक तरफ। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने खुलकर कहा था एनिमल के वो बॉबी देओल बने थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, जैसे रणबीर कपूर ने पीटा था ऐसे हमने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में पीट पा के खत्म कर दिया। रोहित शर्मा ने घुटना बैठ के छक्का मारा, कहा बहुत हो गया तुम्हारे फिल्मी स्टाइल। बॉबी देओल की एंट्री थी, हीरो रणबीर कपूर था, यहां भी यही था। पैट कमिंस उसके बाद से शांत हो गए। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी वाली बातें करते हैं और कह रहे हैं कि ऋषभ पंत बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है यार, मुश्किल डाल देता, टेस्ट में वो बड़ा अलग प्लेयर है। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं कि भारत के लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने के अभियान में बड़े इंपैक्टफुल थे और इस बार भी वो उन्हीं को लेकर डर रहे हैं। कह रहे हैं यार इसको शांत रख लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। दरअसल ऋषभ 2018 से 2019-2021 टेस्ट सीरीज में कमाल थे, 22 में चोट लग गई, बाहर रहे, लेकिन लौटे तो पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया। अब ये वही ऋषभ पंत है जिन्होंने गैबा में जो पारी खेली थी उसे ऑस्ट्रेलिया भूल नहीं पाएगा, एक तरफा मैच जिता दिया था। कमिंस कहते हैं कि यार वो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी पिछली कुछ सीरीज में बड़ा इंपैक्ट रहा है, हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी होगी। रिवर्स और एक हाथ से जैसे वो उल्टे सीधे शॉट खेलता है, वो पिछली 2 सीरीज में बहुत परेशान करने वाले थे। पंत ने अब तक 12 पारियों में ऑस्ट्रेलिया के सामने 62 की एवरेज से 624 रन बनाए, विच इज इनसेन। 159 उनका हाईएस्ट है। 2021 में गैबा में 89 रन की पारी थी उनकी, अगेन इनसेन। मतलब ऑस्ट्रेलिया 32 साल में पहली बार गैबा में हारी थी, वो जब चला था टूटा है गाबा का घमंड, यही टूटा था, और इंडिया 2 ऐसी सीरीज जीती थी। तब जस्टिन लैंगर ने भी कहा था नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। ऋषभ पंत एक्चुअली है यार, मतलब ऋषभ के बारे में कहा जाता है कि जैसे ऋषभ और धोनी की किसी ने बड़ी खूबसूरत तुलना की और कहा कि धोनी टेस्ट क्रिकेट लंबा इसलिए खेल पाए क्योंकि वो ओडीआई के बड़े महान बल्लेबाज थे, T20 के अच्छे प्लेयर थे। ऋषभ ओडीआई और T20 में इसलिए खेलते क्योंकि टेस्ट के महान बल्लेबाज है, टेस्ट में जो उनका इंपैक्ट है उसके रेपुटेशन पे वो ओडीआई और T20 बने रहते हैं। ऋषभ का टेस्ट का रेपुटेशन अलग है, मतलब एक्सीडेंट के पहले भी 93 मारे गया था, फिर उसके बाद लौटा कमबैक मैच में 109, That's crazy. सीधे लौट कर आकर छांडा, that's insane. इंग्लैंड के सामने 3 शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने 1 शतक, साउथ अफ्रीका के सामने 1 शतक, बांग्लादेश के सामने 1 शतक, ओवरसीज में जाकर चढ़कर शतक मार के आना ये इतना आसान नहीं होता, और ये काम ऋषभ पंत कर रहे हैं और इसी वजह से ऋषभ बल्ले बल्ले। अगर आप ऋषभ की आखिरी कुछ पारियां देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में चोट लगने से पहले और अब तक, तो आपको रियलाइज होगा कि जो कमेंट्स कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। 97, 89, 96, 36, 50, 146, 57, 46, 93, 39, 109, हमारे पास ट्रेविस हेड मिच मार्श है, उनके पास पंत है। ऑस्ट्रेलिया इस बार बॉर्डर गवास्कर को नाक का सवाल बना रही है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो उसे इंडिया को हराना पड़ेगा, और उन्हें लगता है कि पंत उसके बीच में। हालांकि मुझे ये लगता है कि पंत तो है ही। स्टे सेफ फ्रॉम जायसवाल पैट कमिंस, इट्स गोना बी वेरी क्रेजी क्रिकेटर, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।